Okay, good morning students and welcome on the platform of RPS online classes. देखिए previous class में हम लोगों ने जो chapter हमारा start हुआ है वो है magnetic effect of electrical. इसमें सबसे पहला टॉपिक पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था वह हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम लोग पढ़े थे नेचुरल मैग्नेट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्टिफिशियल मैग्नेट, फिर हम लोग पढ़े थे आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसके बाद हम लोग पढ़े नेचुरल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट, फिर इसके बाद क्या पढ़े तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड. फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद हम लोग पढ़े मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं यहां पर टॉपिक लिखा हूं अपनी नोट्स बुक में अपनी फेयर की कॉपी में, इसी तरीका से टॉपिक्स को इसी तरीका से इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, क्योंकि यह नोटबुक जो तुम कॉपी में बनाओगे जो फेयर करोगे वही तुम्हें एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प करेगा. बिकॉज इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यहां अभी जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में, मेरा मतलब है इस कोरोना की सिचुएशन में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जब स्कूल रेगुलर होता है जब स्टूडेंट और टीचर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उस वक्त जो उसे डाउट आते हैं वो साथ उसके साथ थे उस साथ और उसी समय उसका सोल्यूशन होता है, अभी यह पॉसिबल नहीं हो सकता है. बट अगर इस तरीका से तुम सिक्वेंस वाइज लिखते चलोगे नोटबुक में फेयर बनाते चलोगे तो तुम्हें कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आएगा वह तुम हमसे क्लियरली उस ग्रुप में जो तुम्हारे लिए ओपन होता है उस पे उसमें पूछ सकते हैं और हम उस ग्रुप का फिर से क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसका जो तुम्हें सॉल्यूशन देना चाहिए वो सॉल्यूशन कर सकते हैं. बट अगर ये नोटबुक नहीं बनाएंगे फेयर नहीं बनाएंगे तो यह क्लियर नहीं होगा और यह ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रह जाएगा. और वैसे भी एक चीज और माइंड में रखना है कि जो तुम यह सोच रहे हो कि जो हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है तो रिड्यूस कर दिया गया है तो वो चीज हम क्यों पढ़े. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो टॉपिक तुम्हारा रिड्यूस किया गया है वह सिर्फ इसी साल के लिए रिड्यूस किया गया है, इसके बाद वाले साल में वह चीज ऑलरेडी उसमें रहेगा. और अगर तुम इस साल ना भी पढ़ो तो जब तुम 12th में जाओगे उस वक्त तो तुम्हें यह टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा. तो जो यहां जिस चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ना है वो 12th में उसी का हेवीएस्ट रूट है. तो क्यों ना उस चीज को अभी इंट्रोडक्शन में या एकदम बेसिकली उस चीज को पढ़ लिया जाए और जब एग्जामिनेशन हो उस वक्त उससे उस चीज को हम रिवाइज नहीं करेंगे और फाइनली एग्जामिनेशन के टाइम पे वो सारे टॉपिक हम तुम्हें यहां बोर्ड पर लिख करके देंगे कि इन इन टॉपिक्स को स्टडी करना है जो एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा. और इस तरीका से हमारा यह जो सिचुएशन है इसमें भी हम अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं.
लेकिन नोट्स नहीं बनाओगे, जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए इन सभी टॉपिक्स को ऐसे ही सिलसिलेवार ढंग से, ऐसे ही सीक्वेंस में लिख करके और तब इसका समाधान करेंगे, तब इसको हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब देखिए, इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सॉरी यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, इसमें यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता क्या है, ये तो कल हम लोगों ने पढ़ा था। बट जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उस चार्ज को कहीं पर प्लेस किया जाए तो उसके पार्टिकुलर एरिया में उसका एक्सपीरियंस फील होता है, तो इस मैग्नेट को भी जब हम कहीं यहां पर रखें और एक यहां पर मैग्नेट को प्लेस करें और उसे ना एक आयरन नेल्स का जैसे ही दूर से लाते हैं तो नहीं किसी तरीके का अट्रैक्शन नहीं फील होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर जोन में जैसे ही आता है उसको वह अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस पार्टिकुलर जोन को द रीजन इन विच द मैग्नेटिक फोर्स या बिहेवियर ऑफ मैग्नेट कैन बी प्रेडिक्ट, कैन बी ऑब्टेन, कैन बी फील, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। वह रीजन जिसमें मैग्नेट का फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी पर्पस के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए जो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो लाइन का विद द हेल्प ऑफ लाइन और डॉट्स और डायग्राम हम लोग स्टडी करते हैं, उस पिक्टोरियल डायग्राम को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी में हम लोग यह पढ़े थे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट उसके नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, वहां से वह निकलती है और उसके साउथ पोल पे वह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट होता है, मतलब वहां आकर के वह मिलती है। टर्मिनेट होने का मतलब उसका खत्म होना नहीं है, वह आगे कंटिन्यू रहेगा। आउटसाइड द पोल, यहां पर पोल क्या था, तो पोल इज द रीजन ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैक्सिमम। किसी भी मैग्नेट का पोल वह रीजन है, वह क्षेत्र है, वह प्लेस है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। वहां उस मैग्नेट के इनसाइड, हम लोगों ने कोई डायग्राम नहीं शो किया था, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं शो किया था। तो देखिए, यह अगर मैग्नेट है, यह मैग्नेट यहां नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, तो यहां कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो यहां पर ये एरो हमें देना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल से यह ओरिजिनेट हो रहा है और यह ऐसे आते हुए यहां पर देखिए टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। बट इसके इनसाइड द मैग्नेट कैसा होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो यह हमने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यह अगर कंटिन्यू होता है तो इसके अंदर यह साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ होगा, तभी तो फिर नॉर्थ से वह ओरिजिनेट होगा, साउथ पे आके टर्मिनेट होगा। समझ रहे हैं? तो बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरीका से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट अभी यह पढ़ने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि एज अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यह जब वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, इस मैग्नेट के वजह से तो नहीं। तो हमें अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे यह करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, डेफिनेटली प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर ये ऐसे इस तरह से इस मैग्नेट के चारों तरफ यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे यहां पर हमने डायरेक्शन बताया, तो वहां पर भी डायरेक्शन तो होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का,
क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए यहां पर मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि वेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देन द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहते हैं उसे। अब इस मैक्सवेल का रूल है ये, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने क्या कहा है इसको यह देखिए, यह करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, यह करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट में, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यह इस तरीका से फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपना राइट हैंड दीजिए और राइट हैंड को लेकर के इस पर इस थंब का डायरेक्शन जो है, तो करंट का डायरेक्शन अगर शो करता है तो हमारे कर्व ऑफ हैंड, हमारे हमारे हाथों की जो मुट्ठी है जैसे बंद हो रही है, ये यहां पर ऐसे अगर आता है तो कर्ल ऑफ आवर हैंड इज गिव्स आवर कर्ल ऑफ आवर हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर या अगर ऐसे है हाथ ऐसे करेंगे तो यह देखिए या क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर घड़ी को ऐसे रखे, अगर घड़ी ऐसे है तुम्हारा तो ये ऐसे आ रहा, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो यहां पर उसके जो डायरेक्शन होंगे दो हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या इस तरीका से हम इसे क्या कर सकते हैं। अब इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग यह इसे देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यह दोनों ही केस में, इस दोनों ही परिस्थिति में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि दोनों जो डायरेक्शन है एक दूसरे का विपरीत है। सो विपरीत डायरेक्शन है तो देखिए इसमें इसमें ऐसे ऐसे है मतलब देखिए यह इसके चारों तरफ का डायरेक्शन देख रहे हैं, वहां मुट्ठी जो बंद हो रही है, जैसे ये थंब हमारा अगर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है तो यह मुट्ठी जो है हमारा मतलब कर मुट्ठी जो बंद होने की डायरेक्शन जो है यह उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और यह मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां से जैसे देखिए इस तरीका से होते होते यहां ऐसे ऐसे और फिर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर के रेडियली आउटवर्ड यह खत्म हो जाता है, मतलब पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ही इसका डायरेक्शन रह पाता, मतलब इसका मीनिंग रह पाता, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रह पाता, ठीक है। अब दूसरा बात है, एक ऐसे हो सकता है और दूसरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, उसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा, तो यहां भी कुछ मत कीजिए, बस हाथ को लाइए अपना राइट हैंड को, लेकिन याद रहे राइट हैंड ही लगाना है, राइट हैंड ये हुआ थंब का डायरेक्शन तो ये हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अब यह करंट कैरिंग कंडक्टर अराउंड देखिए इस तरह से तो ये मुट्ठी ऐसे 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 इस तरीका से ये होगा, ठीक है, देख रहे हैं ऐसे मुट्ठी बंद हो रही है। तो इसका हम लोग और यह डायरेक्शन जो है सो आगे चलकर जब हम लोग ट्वेल्थ वगैरह पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड द पेपर एंड आउटवर्ड द पेपर ऐसा होता है, तो आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे और इसको अपनी बुक्स से प्रॉपरली स्टडी करेंगे अच्छे तरीका से। और यहां पर स्टडी करने के बाद क्योंकि इसकी जो लॉ है जैसे मैक्सवेल का यह राइट हैंड थंब रूल है, फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है एंड राइट हैंड रूल है, यह तीनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है। अभी मैं यहां इतने तक रहने दे रहा हूं, फिर इसे बुक से स्टडी करेंगे और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो वह हमें बताएंगे। और तुम्हारे बुक में जो एक्चुअली पेज नंबर तो हमें नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे बुक में या 208 या 10 ऐसा ही कुछ पेज वगैरह है, वहां पर इसे देख करके डू इन टेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे, क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तक यहां यह किया जा चुका है। अब इसके बाद जो जैसे हम लोगों ने जब यह बार मैग्नेट पढ़ा वहां देख लिया तो उसका डायरेक्शन इस तरीका से होता है, तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टर होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का अगर होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। डेफिनेटली इफ द शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर विल चेंज देन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न विल ऑल्सो चेंज। इट मीन्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर यहां पर यह करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीका से प्रोड्यूस होगा। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो वायर वैसा सीधा है तो उस तरीका से यह होता है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका पैटर्न, अगर कोई सर्कुलर या लूप बना रहा है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसका मैग्नेटिक पैटर्न, अगर कोई सोलेनोइड की बात करते हैं तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक पैटर्न, यह सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस बाकी जो मैग्नेटिक जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक इतना जो अभी तक पढ़े हैं जो टॉपिक लिखे थे वहां तक का फेयर कम, और ये हुआ तुम्हारा ये फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड में कंप्लीट नोटबुक, नोटबुक में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिफरेंट टाइप डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफरेंट मैग्नेटिक पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।